हेलो योद्धा, एक जॉब में पुनः आपका स्वागत है। और घटनाचक्र वन लाइनर के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पहुंच गए हैं रक्षा अंतरिक्ष चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति। अद्यतन मतलब अप टू डेट। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये देश है रूस। अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करने वाला रूस जो है चौथा देश बना है। कौन सा? फोर्थ देश। पहले कौन से हैं? तो अमेरिका, इंडिया, फिर चीन तो हो ही गया आपका, सॉरी चीन, और फिर हो गया रूस। अमेरिका, इंडिया, चीन और रूस। ठीक, एंटी सैटेलाइट मिसाइल वो होती है जो किसी दूसरी मिसाइल को रोकती है या नष्ट करती है किसी मिसाइल को, उसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना पोतों के लिए डिजाइन एवं विकसित की गई उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली को भारतीय नौसेना प्रमुख को सौंपा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली शक्ति को विकसित किया गया है किसके द्वारा? रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ऐसे पूछे जाते हैं, किसने विकसित किया है, कहाँ पे है ये? हैदराबाद में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला। वह देश जिसने गाओ फेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, चाइना ने, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो गाओ फेन 1103 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है चाइना ने। भारत की पहली इंटर फेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट लीगो का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया जाएगा। वह रक्षा मंत्री जिसने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश में विकसित जिस मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया है, उसका नाम है INS विशाखापत्तनम। ठीक, तो रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना में अभी किसको शामिल किया है? INS विशाखापत्तनम को। ठीक, INS विशाखापत्तनम जिस प्रोजेक्ट का पहला स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, और सबसे बड़ी बात यह स्वदेश निर्मित है। ठीक, तो प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत INS विशाखापत्तनम का निर्माण हुआ? प्रोजेक्ट 15B। ठीक, ये याद रखना, INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है। मांझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है? मुंबई में है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा जिस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है? भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय इस समय है, रेल मंत्री हैं जो हमारे अश्विनी वैष्णव के पास। ठीक, तो ये उत्तराखंड देहरादून में किया जा रहा है, पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया जा रहा है। अगला, अधिक ऊंचाई पर मौजूदा खतरों का पता लगाने के लिए, अधिक ऊंचाई पर मतलब कभी जो अधिक ऊंचाई से हाई अल्टीट्यूड मतलब अधिक ऊंचाई से जो मिसाइलें ड्रॉप की जाती हैं, अक्सर उनसे खतरा रहता है देशों को, उनसे बचने के लिए इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण करने वाला देश इजराइल। आयरन डोम इसके पास है जो मिसाइल को नष्ट करता है। ठीक, और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम आप सब लोगों को पता होना चाहिए, इसाक हर्जोग, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो प्रेसिडेंट हैं, और PM यहाँ के हैं नेफ्ताली बेनेट, ये याद रखना है आपको, नेफ्ताली बेनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटोल L6 चोंड्राइट उल्कापिंड में ब्रिज मेनाइट खनिज की उपस्थिति का पता लगाने वाला संस्थान है IIT खड़गपुर। भारत में कुल IIT संस्थान कितने हैं? 23, ये याद रखना, हो सकता है कभी पूछते हैं आपसे। तो ब्रिज मेनाइट खनिज का
की उपस्थिति का पता लगाया है IIT खड़गपुर ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त और स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए हैं। कहाँ पे? जैसलमेर में। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO का जो है मुख्यालय कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। DRDO का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक। और ये किसके अधीन होता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आपातकाल 1958 से, एक और याद रखना, नासा की भी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। नीरी नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर में, उसका मुख्यालय, उसकी भी स्थापना 1958 में हुई थी। नेफेड की स्थापना 1958 में हुई थी। 4 संस्थान याद रखना, DRDO, नासा, नेफेड और नीरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आपातकालीन उपयोग सूची हेतु भारत की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। कौन सी? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को बनाया था भारत बायोटेक ने और कोविशील्ड को किसने बनाया था? कोविशील्ड को बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ने। चलिए आगे देख लेते हैं। लंदन में एक नई कंपनी आइसोमार्फिक लैब्स लॉन्च करने वाली मूल कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट इंक है, गूगल की पेरेंट कंपनी इसको बोला जाता है। आइसोमार्फिक लैब लॉन्च करने वाला, ठीक। आइसोमार्फिक लैब्स कंपनी लॉन्च करने का उद्देश्य है गंभीर रोगों के लिए दवा की खोज एवं दवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। मतलब दवा भी ऐसी बनाई जाएगी जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक। तो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवा का निर्माण करना। तो आइसोमार्फिक लैब्स के CEO नियुक्त किए गए हैं डेमिस हासाबिस, ठीक। आप ये एक लाइन से हम पढ़ा रहे हैं इसलिए वन लाइनर, ये वैसे भी सोचिए एक साल का करंट आपको 30 पेजों में मिल रहा है तो ये वैसे भी बहुत शॉर्ट्स है। आप कोशिश करिए जो आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा जो जिसमें हम इम्पोर्टेंट लिखते हैं वो आप लिख लीजिए, बाकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली प्रथम चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री, स्पेस वॉक करने वाली, अंतरिक्ष में टहलने वाली, वांग यापिंग, कहाँ की हैं? तो चीन की हैं। क्वेश्चन ऐसे बना सकता है वाग यापिंग किस से संबंधित हैं, ठीक, किस क्षेत्र से संबंधित हैं या किस देश की महिला हैं, ठीक, या प्रथम चीनी महिला जो स्पेस वॉक किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 संबंधी इलाज के लिए विश्व की प्रथम गोली टैबलेट को मंजूरी देने वाला देश? ब्रिटेन। इम्पॉर्टेंट है ये भी। कोविड-19 संबंधी इलाज के लिए विश्व की प्रथम गोली टैबलेट का नाम क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस फील्ड, इसको लिख लीजिए, लेगेवरियो मोलनिपिरावीर, ठीक। लेगेवरियो आप याद रखिएगा, लेगेवरियो प्रथम गोली या टैबलेट है जिसको ब्रिटेन ने स्वीकृति दी है। विश्व का प्रथम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गांगमु अथवा SDG SAT-1 प्रक्षेपित करने वाला देश? चीन है। नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि करने वाला राज्य? केरल। सारे जो है वायरस जो होते हैं पहला उनका जो मरीज होता है अक्सर केरल में ही मिलता है, केरल के वायनाड में मिला है। इसमें जो है एक ऐसा वायरस है जिससे जो है उल्टी और दस्त महसूस होती है और ये सीधा फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक। आगे देखते हैं। 12-14 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य समन्वित गश्ती कारपेट, तो भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य कौन सा समन्वय गश्ती कारपेट? तो कारपेट जो है अभ्यास किसके मध्य हुआ था? भारत और थाईलैंड के मध्य 32वां हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारपेट के 32वें संस्करण में शामिल होने वाला भारतीय नौसेना INS करमुख आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन से कारपेट युद्ध अभ्यास में भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य हुआ? भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया फ्रांस में। कौन सा संस्करण था? 6ठा। अब आपको याद रखना है भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक।
शक्ति सैन्य अभ्यास, भारत फ्रांस के मध्य, कारपेट भारत थाईलैंड के मध्य। अभ्यास का यह छठा संस्करण था। ठीक, फिर 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के तहत नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी ने सभी के लिए इंटरनेट को सुलभ बनाने हेतु डिजिटल पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया है। ठीक, निक्सी की स्थापना 2013 की धारा 2008 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन जिसे पंजीकृत किया गया 19 जून 2003 को रजिस्टर किया गया। स्थापना इसकी 2003 को हुई थी। ठीक, निक्सी की। अब ये गैर लाभकारी संगठन, ये बहुत शब्द आता है, आप लोग पढ़ते भी हैं, तो ऐसा लाभ जिस जो लाभ को छोड़कर शैक्षणिक सांस्कृतिक और धार्मिक जो है चीज़ों में अपना योगदान दे उस संगठन को कहते हैं, और ये संगठन किसी तरह का लाभ नहीं देता है, ऐसे संगठन को गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। वह कंपनी जिसने 1 नवंबर 2021 को चीन की मुख्य भूमि में अपनी सेवाएं पूर्णतः रोक दी है, याहू, याहू एक inc.com, और याहू की स्थापना जो है 1994 जेरी यांग, 1994 में जेरी यांग और जेरी यांग के साथ डेविड फिलो, ठीक, दो लोग थे, जेरी यांग और डेविड फिलो, और ये एक अमेरिका की कंपनी है जिसको चीन में जो है पूर्णतः बंद कर दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चेतावनी के अनुसार पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला क्षुद्रग्रह कौन सा है, तो ये आप याद रखिएगा, नासा की चेतावनी के अनुसार। अभी हमने बताया था नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। 4660 नेरियस, अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चेतावनी के अनुसार पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला क्षुद्रग्रह। ठीक, वर्ष 2022 में COP27 की मेज़बानी करने वाला देश, तो कॉप के जो ये सम्मेलन होते हैं जलवायु परिवर्तन पर ये सम्मेलन होते हैं, 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, 2027 का मिस्र में होगा, 2023 का COP28 जो है संयुक्त अरब अमीरात में होगा, याद रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट है, मेज़बानी पूछ सकते हैं आपसे। आगे बढ़िए, नासा तथा स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया अभियान क्रू बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नासा की 1958 में स्थापना हुई थी। स्पेस एक्स जो है एक निजी कंपनी है, किसकी, आप सबको पता होगा जो है स्पेस एक्स जो वो हैं, क्या नाम है, सॉरी उनका हमको नाम नहीं याद आ रहा है, टेस्ला जिनकी है, बेजोस, एलन मस्क की, सॉरी। तो 10 नवंबर 2021 को नासा तथा स्पेस एक्स, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी आपको पता है, स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में किसने की थी, एलन मस्क। इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये। क्रू 3 लॉन्च किया था एक मिशन जो कि ISA इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, ओ सॉरी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है जो अंतरिक्ष में, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एक ISS, उसमें जो है ये 4 लोग जाएंगे, 3 क्रू और 1 जो है मिशन कमांडर होंगे, वो मिशन कमांडर राजाचारी हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक, आगे देखते हुए स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत प्रस्तावित 6 पनडुब्बियों में चौथी पनडुब्बी के रूप में भारतीय नौसेना को सौंपा गया, INS वेला। स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला का निर्माण माझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स मुंबई में है, ये सबको पता है। वह देश जिसने भारतीय वायुसेना को सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीमों के साथ दुबई एयर शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, UAE है। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में TechNew75@75 का उद्घाटन करने वाला मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना का वह पोत जिसे अंडमान सागर में 15 से 16 नवंबर तक सिटमैक्स 2021 में भाग लिया, कार्मुक, और किस में भाग लिया था, जो एक कारपेट युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और थाईलैंड के मध्य। वह भारतीय संस्थान जिसके वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से 725 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी से भी बड़े ग्रह की खोज की गई, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में।
नवोन्मेष और दोहरे उपयोग वाली तकनीकी विकसित करने के शोध को बढ़ावा देने के लिए DRDO के साथ समझौता करने वाला देश इजराइल। इसके साथ मिलकर जो है हम तकनीक को और बेहतर कर सकें और आविष्कार कर सकें नए नए, इसलिए DRDO और इजराइल का जो है मतलब समझौता हुआ है। ठीक, DRDO की स्थापना फिर से मैं आपको बता दूँ 1958 में हुई थी। भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान के इस संस्करण को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया 41वें। अंडमान सागर में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमेक्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के मध्य। आपको इस एपिसोड से या इस सेशन से एक युद्ध अभ्यास तो याद ही हो जाएंगे, तो शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य, थाईलैंड जो है के मध्य कारपेट हुआ था, सिटमैक्स भारत थाईलैंड और सिंगापुर के मध्य हुआ। कहाँ पर हुआ था ये? तो अंडमान सागर में ये हुआ था। ठीक, भारत में दुर्लभ गुलाबी तेंदुआ देखा गया रणकपुर क्षेत्र राजस्थान में। ये गुलाबी तेंदुआ है जो दुर्लभ की कैटेगरी में है। 17वें भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एल्मेडार रिचर्डसन बेस अलास्का में किया गया। इसको छोड़ ही दीजिए आप। वह संस्था जिसे 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया IS इंडियन स्पेस एजेंसी, ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक, और इसके जो है अध्यक्ष या CEO कह सकते हो जयंत पाटिल को बनाया गया है। जयंत पाटिल, अब समझ लीजिए ये एक निजी संस्थान है। ठीक, निजी सहयोग से जैसे SpaceX बनाया है एलन मस्क ने, वैसे ही भारत में एयरटेल और L&T, गोदरेज, MyWeb, ऐसे कई छोटी छोटी कंपनियों ने मिलकर, बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर जो है इसको बनाया है, जिससे जो है क्या कर सकते हैं हम अंतरिक्ष में और ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का की स्थापना 2021 में 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके पहले अध्यक्ष जो है या चेयरमैन कह सकते हो जयंत पाटिल को बनाया गया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिकों के एक दल ने गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए जिस कचरे का इस्तेमाल किया है, चाय और केले के कचरे का। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिकों ने गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए किन चीज़ों का यूज किया है? चाय और केले के कचरे का। देश के प्रथम एक स्वास्थ्य वन हेल्थ परियोजना का शुभारंभ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। कोविड 19 पर विषय विशेषज्ञ समिति के भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021-31 जारी करने वाला मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया द्वारा 29 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ह्वेनसांग एट उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च की गई। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ठीक, इसके जो तानाशाह हैं किम जोंग उन हैं, और इससे ही एक इसका पड़ोसी देश है दक्षिणी कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है, वो बहुत शांतिप्रिय देश है। विश्व की प्रथम मलेरिया वैक्सीन 6 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई है। ठीक, WHO ने इसको मान्यता दे दी है। ब्रिटेन के द्वारा ये बनाई गई है, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक, ब्रिटिश कंपनी RTSS वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसकी डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है नासा ने। यह समुद्र से संबंधित है, डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक। ठीक, तो प्रथम मलेरिया वैक्सीन RTSS ब्रिटेन द्वारा WHO द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है। इसको द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज वाटर नामक रिपोर्ट जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। मालाबार में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA ही कहाँ शामिल हुए हैं? क्वाड में। ठीक, क्वाड्रिलेटर
जो एक ये समूह बनाया गया है उसमें जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल हुए हैं। क्यों क्वाड्रिलेटरल्स का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इधर इंडिया है, इंडिया से जापान जाएंगे, जापान से आप यूएसए जाएंगे और यूएसए से आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो ये चतुर्भुज की एक रचना बन गई, इसे ही कहा जाता है क्वाड। क्वाड में ये देश भी शामिल हैं और मालाबार में भी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल हैं। ठीक, अब आप पूछ रहे होंगे यहाँ हमने अमेरिका क्यों बताया? जब आप गूगल मैप को या तो एकदम फोल्ड कर लीजिए या गोल गोल घुमाएंगे तो जापान के पूर्व में भी पड़ेगा। मालाबार 2021 के प्रथम चरण का आयोजन किया गया था फिलीपींस सागर में किया गया था, दूसरा चरण का हुआ बंगाल की खाड़ी में हुआ। मिशन कवच कुंडल किसने प्रारंभ किया? महाराष्ट्र सरकार ने। क्यों किया? क्योंकि इसके तहत जो है कोविड टीकाकरण किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे, महाराष्ट्र द्वारा मिशन कवच कुंडल का आयोजन कब किया गया? नहीं इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा पर्यावरण जल परिषद के विश्लेषण के अनुसार भारत में PM2.5 सबसे बड़ा उत्सर्जक राज्य है उत्तर प्रदेश। PM2.5 क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म जो कण, सूक्ष्म कणों से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है जो कि सीधे हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, हमारे शरीर के भीतर चला जाता है, उसे ही PM2.5 कहते हैं। उत्सर्जक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। फिर इसके बाद मध्य भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत जापान और भारत ने अरब सागर में जिस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के पांचवें संस्करण का आयोजन किया है, अरब सागर में किया है, पांचवा संस्करण है, भारत और जापान ने किया है जीमेक्स। ठीक, जापान और इंडिया, आप ऐसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, भारत यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया। इसको आप कहीं भी एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो भारत और यूके के मध्य हुआ अजय वॉरियर हुआ, भारत और जापान के मध्य जीमेक्स हुआ, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के मध्य मालाबार हुआ, शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य हुआ, कारपेट भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण, तो मित्र शक्ति का 8वां संस्करण भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। संस्करण भले ना आप याद रखिए, किनके बीच हुआ ये इम्पोर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है कौन सा? अभ्यास मित्र शक्ति। बच्चों के लिए बनी वह, ये भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बच्चों के लिए बनी वह कोविड-19 वैक्सीन जिसको सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, और सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी है कहाँ पे? आई थिंक ये कोलकाता में है, जायको डी। ठीक, इसको जो है बच्चों को जायको डी है जेट एप्लीकेटर के द्वारा दिया जाता है, जेट एप्लीकेटर जहाँ तक मुझे याद है, तो जिससे सांस के जो बीमारी जो रोगी होते हैं वो जो कैप्सूल लेते हैं एक मशीन में डाल के, वैसे ही जो ये ड्रग दिया जाएगा, इसमें निडल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन स्पुतनिक के बाद जो है जायको डी, और जायको डी जो है शायद ब्रिटेन के द्वारा निर्मित है। ठीक, तो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। 5 दिवसीय यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंचने वाला बांग्लादेश नौसेना का पोत है BNS समुद्र अभिजन, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इसको भी छोड़ दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय, ये इम्पोर्टेंट हम लिख दे रहे हैं, ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है? जो दुनिया के सबसे स्वच्छ तट होते हैं उनसे संबंधित है। ये मैं ग्रुप में आप लोगों को इमेज इसकी डाल दूंगा, देख लीजिएगा। कोवलम समुद्र तट और ईडन समुद्र तट स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से संबंधित कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु का है, ईडन समुद्र तट पांडुचेरी का है। ठीक, तो भारत में कुल अब हो गए हैं 10, ये याद रखिए। ब्लू फ्लैग प्रमाणन देता कौन है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा ये दिया जाता है। ये संस्था कहाँ की है? डेनमार्क की है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत इंडोनेशिया द्वारा आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा है? समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के मध्य है, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के मध्य है, शक्ति भारत फ्रांस के मध्य है,
समुद्र शक्ति का द्विपक्षीय अभ्यास का यह संस्करण तीसरा है। आयोजन कहाँ हुआ? सुंडा जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा, सुमात्रा और जावा के मध्य है, यहाँ पे सुंडा। ठीक। समुद्र शक्ति में शामिल नौसेना के पोत INS शिवालिक और INS कदमत, याद रखिएगा। ऑपरेशन सूर्य किरण किससे संबंधित है? भारत और नेपाल। कहाँ पे हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। चौबटिया में कौन सा हुआ था? अजय वारियर, भारत और यूके के में, मतलब भारत और ब्रिटेन के मध्य। अभ्यास सूर्य किरण का समापन हुआ 21, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य किरण किसका है? नेपाल का है। मित्र शक्ति किसका है? श्रीलंका का है। और समुद्र शक्ति किसका है? भारत और इंडोनेशिया का है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन जो है आपका एक टॉपिक पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम ने राज मछली घोषित की है कैटली को। कूपर महसीर इसका दूसरा नाम है, या वैज्ञानिक नाम कह सकते हो। वैज्ञानिक नाम इसका है नियोली सोचियस हेक्सागोनोलेपिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है। सिक्किम ने राज मछली घोषित किया है कैटली को। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी क्षेत्र से जब्त की गई प्रतिबंधित समुद्री प्रजाति है, ये एक प्रकार समुद्री खीरा जो है, एक प्रकार का कीड़ा होता है, कीड़ा केचुए टाइप की, और इसकी कीमत होती है लगभग 2 लाख पर केजी, 2.5 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है, इसलिए इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत है INS ध्रुव। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना, मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई मतलब जिसको भी दवाओं की ज़रूरत हो वो ड्रोन के माध्यम से जो दूर क्षेत्र हैं, जो दूर दुर्गम स्थान है वहाँ तक पहुँच को सुलभ बनाना, इसके लिए मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया है। ड्रोन से दवाई पहुँचाई जाएगी विकराबाद तेलंगाना में, और ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इको सेंसिटिव जोन जो पारिस्थितिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जहाँ पे खतरा होता है उन क्षेत्रों को कहते हैं। तो सूचित किया गया वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? दीपोर नील वन्य जीव अभयारण्य असम में, जहाँ पे पारिस्थितिकी को खतरा दिखाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ की उपस्थिति में राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना को वायु रक्षा प्रणाली MRSAM प्रणाली प्रदान की गई है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। MRSAM प्रणाली है क्या? मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक। DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा ये बनाया गया है। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की भागीदारी के साथ देश के सभी स्कूल विद्यार्थियों के लिए ATL स्पेस चैलेंज को लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत भूमध्य सागर में मिस्र की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में शामिल भारतीय नौसेना का जहाज INS तबर, INS करमुक कारपेट में जो भाग लिया था जिसने। 1 किलोमीटर के दायरे की वायु को शुद्ध करने में सक्षम भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। कितने मीटर का है? 24 मीटर का। एयर प्योरीफायर जिसको कहते हैं, एयर प्योरीफायर। ठीक। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBAGR प्राप्त भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता दी है मांडा भैंसा को। ठीक है। ये जो है जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है, संसाधन ब्यूरो, ये जो है जानवरों की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और तब ये शायद बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी, फिर 1985 में इसे करनाल हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया था, करनाल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत के प्रथम कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आनंद विहार नई दिल्ली में किया गया था। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच प्रारंभ द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा है? ऑसिन डेक्स। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया और ऑसिन डेक्स, तो आप मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हुआ द्विपक्षीय अभ्यास। ऑसिन डेक्स का यह संस्करण 4था है, संस्करण इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिन डेक्स में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के पोत कौन से? INS शिवालिक और INS कदमत। अभी हमने पीछे भी बताया था एक अभ्यास, उसमें भी INS शिवालिक और INS कदमत थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद समुद्र शक्ति था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डॉपलर मौसम रडार और स्वदेशी जीपीएस आधारित पायलट सोंडे का उद्घाटन किया है जम्मू में। गिलोय पौधे के जीनोम का अनुकरण करने वाली भारतीय अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल। ठीक, गिलोय आपको पता है, बुखार में इसको जीवांतक बोलते हैं, बुखार की अमृत बूटी इसे बोलते हैं, बुखार में बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। गिलोय भी आप देख रहे थे कोरोना काल में, गिलोय एक बहुत बड़ी जड़ होती है। ठीक, बहुत लोग उसको अपने घरों में रख रहे थे, चाय से काढ़ा बना के भी पी रहे थे कोविड के काल में। भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु पाक की खाड़ी में। और डुगोंग है क्या? शाकाहारी स्तनपाई है, समुद्री गाय, इसे समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में है ये, पाक की खाड़ी के पास। ठीक, डुगोंग को IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। लाल सूची मतलब डेंजर, मतलब असुरक्षित। लद्दाख प्रशासन ने अपना राज्य पक्षी घोषित किया है, काली गर्दन वाला सारस, ब्लैक नेक क्रैन, इसको क्रैन भी बोलते हैं तो आप भ्रमित ना होना। और राज्य पशु किसे घोषित किया है? हिम तेंदुआ को, स्नो लेपर्ड को। ठीक, चलिए, थैंक यू। वीडियो बहुत लंबा हो गया उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए इसलिए वीडियो बनाते हैं कि थोड़ा थोड़ा इससे, अगर इतना तो आप देख ही सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। चलिए, थैंक यू।